थाना अहमदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नई बस्ती में हुई चोरी की घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से चोरी किए गए आभूषण और नकदी भी बरामद की गई है। पूरा मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र के नई बस्ती का है, जहां 25 मार्च को परिवार बाहर गया हुआ था। इसी बीच चोरों ने सुनसान मकान को अपना निशाना बना लिया और घर से नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना एतमादपुर पुलिस को दी। इस दौरान पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्त नवल किशोर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नवल किशोर सरगना पुच्छी है, जिसने मौका पाकर अपने साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों से 1,45,000 की नकदी सहित आभूषण बरामद किए हैं। वहीं दो अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 25 मार्च 2022 को थाना क्षेत्र एतमादपुर में एक घर में चोरी हुई थी। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया था तकरीबन 27 लाख रुपए कैश और साथ में सोने और चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। आज इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो शामिल दो अभियुक्त हैं, थाना एतमादपुर पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। मैनुअली इसमें मुखबिरी साथ के साथ सर्विलांस की मदद ली गई है। इसमें जो अभियुक्त हैं, पहला अभियुक्त है नवल किशोर और पुच्ची, दूसरा है सोनू पुत्र विनोद कुमार, ये दोनों थाना क्षेत्र एतमादपुर के हैं। इसके साथ में दो और इनके सहयोगी हैं। कुल चार लोगों ने मिलकर घटना कारित की है। प्लानिंग से लेकर घटना तक कुल चार लोग शामिल हैं। इसमें से दो लोग पकड़े गए हैं, नवल किशोर और सोनू। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो सोने चांदी यानी पीली धातु और सफेद धातु के काफी आभूषण बरामद हुए हैं। साथ के साथ 1,45,000 रुपये की रिकवरी हो चुकी है। जो इनके शेष दो साथी हैं उनको पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही वो भी हमारे गिरफ्त में होंगे। और ये पूरी जो खुलासा हुआ है, मैं थाना एतमादपुर को बधाई देता हूँ, बहुत कम समय में खुलासा कर लिया। लेकिन अभी जो दो शेष अभियुक्त हैं और जो बड़ी अमाउंट है अभी वो बरामद करना शेष है, वो भी जल्द हम बरामद करेंगे। आपराधिक इतिहास जो इसमें पुच्ची का है वो एक बार चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। जो दूसरा अभियुक्त सोनू है वो चार बार गया है, जिसमें तीन बार वो चोरी के मुकदमे में गया है और एक बार शराब के मुकदमे में जेल गया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।